गई मोना? बड़ी जल्दी आ गई, कैसा रहा कॉलेज? कॉलेज? बुआ जी मैं तो ये गोल्डी तुझे वहां कॉलेज में मिला ना? क्यों गोल्डी? मोना तो अपने कमरे में जा। ताई जी मैं आपको बताने वाली थी लेकिन मैंने कहा ना जा। रानू बुआ क्या हुआ, मुझे बहुत खफा खफा लग रही है। अच्छा मुझे बताओ पहले मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं नहीं भाई, गलती तो हमसे हुई है अपनी घर की बेटियों को पालने में, वरना अच्छे घर की लड़कियां यूं शादी से पहले घूमने फिरने नहीं जाती। मोना की माँ ने उसे, परजाई जी ने उसे नहीं समझाया, चल ना सही। गोल्डी तू तो समझदार है, तुझे तो समझना चाहिए था। लेकिन बुआ जी मैं तो अपनी होने वाली दुल्हन को लेकर गया था ना। होने वाली दुल्हन को? दुल्हन अभी हुई नहीं है, और जहां तक मैं जानती हूं मोना ने शादी के लिए अभी तक हाँ नहीं किया, या फिर कर दी है। अरे गोल्डी तुम्हें अपनी स्वीटी भाभी से नहीं मिलना? जाओ ऊपर जाओ, वो अपने कमरे में है। रानो पेन जी कुछ बोलने से पहले कभी तो सोच लीजिएगा, मोना इसी घर की बेटी है। मैं भी अपने आप को इस घर की बेटी समझती थी, लेकिन आज समझ में आया कि कितनी गलत फहमी में जी रही थी मैं। ये घर कभी कभी मेरे दारजी और वीरजी का हुआ करता था, लेकिन अब तो इस घर में मेरी परजाइयों का राज चलता है जी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा दीदी, गोल्डी ने ऐसा क्यों कहा? उसे मेरे और अनुकल्प की फ्रेंडशिप पे शक है क्या? मोना तू गलत समझ रही है, शक नहीं। देख इसे ऐसे समझ कि वो तेरे बहुत पोजेसिव है, उसे अच्छा नहीं लगता कि अगर तेरे करीब कोई लड़का आए। मोना लड़के ऐसे ही होते हैं, जल जाते हैं चिढ़ जाते हैं। अब तू अपने परमीत जीजू कोई देख, तेरे परमीत जीजू का बस चले ना तो मुझे कभी भी किसी लड़के से बात ना करने दे। और फिर इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि शायद गोल्डी तुझे बहुत चाहने लगा हो। हाय लेडीज, क्या मैं अंदर आ सकता? भाभी 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 एक मिनट एक मिनट, इससे पहले कि आप मुझे डांटे मैं अपनी गलती कबूल करता हूं। भाभी मैं जानता हूं मैंने आपकी स्वीट सी बहन का दिल दुखाया है, एंड आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट। प्लीज देखिए मैं अपने घुटनों पर आके आपसे माफी मांगता हूं मोना जी प्लीज, और मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देती। चाहे घंटे बीत जाएं, साल बीत जाएं, महीने बीत जाएं, सदियां बीत जाएं, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। प्लीज मोना जी प्लीज। पुत्र गुरु को साक्षी मानकर जो कुछ भी करना सच्चे दिल से करना। मोना पुत्र, तुझे अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, हमसे बेहतर तेरी भलाई के बारे में कोई नहीं सोच सकता। तेरे लिए लड़कों की क्या करूं, तुझे तो ऐसा लड़का मिलेगा जो तुझे खुद से भी ज्यादा प्यार करेगा। मोना तेरी माँ है तेरे पीछे, सिर्फ अपनी दिल की सुनना पुत्र, बाकी सब मैं संभाल। पुत्र लड़कियों को बहुत संभाल के चलना पड़ता है, एक गलती और जिंदगी भर का पछतावा।
गुरु को साक्षी मानकर जो भी करना पड़ेगा सच्चे दिल से करना। सब संभाल गुरु को पापा जी की बात तुझे माननी पड़ेगी, उसी लड़के से शादी करनी पड़ेगी। सिर्फ अपनी गुरु को साक्षी मान की फिक्र मत करना, मैं संभाल लूंगी सब, बहुत सोच समझ के। पुत्र गुरु को साक्षी मानकर जो भी करना सच्चे दिल से करना, उसी लड़के से शादी करनी पड़ेगी। गुरु को साक्षी मानकर जो भी करना सच्चे दिल से करना, हमसे ज्यादा तेरी भलाई के बारे में साक्षी मानकर जो भी करना सच्चे दिल से करना। मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देते। मोना जी, मोना जी, मोना जी, मोना जी, याद है ना आपको, मैंने आपसे क्या कहा था? सुनिए सबके, पर कीजिए वही जिसकी गवाही आपको आपका दिल दे। प्लीज नाराज होकर इस रिश्ते के लिए मना मत कर देना। मोना किथे गई सी और तू फोन क्यों काट रही थी? जी वो मैं तू क्या कर रही है मोना? तेरे पापा जी को पता चल गया तो तूने आज तक सिर्फ उनका प्यार देखा है, बेटी की इज्जत को लेकर उनका गुस्सा नहीं देखा। छोटी मामी जी क्या है? मम्मी जी है ना वो घर छोड़कर जा रही, वो किसी की नहीं सुन रही है। प्लीज जल्दी चलिए, बड़ी मामी जी आपको बुला रही है। ये सब क्या कर रही है आप? देखिए हमसे कोई भूल हो गई है तो हम हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं आपसे, लेकिन इस तरह नाराज होकर घर छोड़कर मत जाइए। आपको रब दा वास्ता। ये मेरा घर है ही कहां पर जाई जी? इस घर में तो अब मोना और प्रिया के बीच में फर्क समझा जा रहा है। ये आप क्या कह रही है? हमने कब फर्क किया? आप नहीं जानती परजाई जी कि प्रिया मोना से पूरे 5 महीने बड़ी है और इस घर में मोना की शादी की बात पहले चलाई जा रही है। इसे फर्क नहीं कहूं तो फिर और क्या कहूं? लेकिन रानू बहन जी आप अच्छी तरह जानती हैं कि गोल्डी का रिश्ता वो लेके आए थे मोना के लिए, हमने बात नहीं चलाई थी। जानती हूं क्योंकि आपकी बेटी लड़कों पर डोरे डालना खूब अच्छी तरह से जानती है। पटा लिया है उसने गोल्डी को। रानू मेरी बहन है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बेटी के बारे में कुछ भी कहे, ये मैं सहन नहीं करूंगा। अच्छा किया वीर जी आपने, बहुत अच्छा किया जो आज सब कुछ साफ साफ कह दिया। एक बहन और बेटी में क्या फर्क होता है ये आज आपने मुझे समझा दिया। ठीक ही कहते लोग कि बेटी का असली घर उसका ससुराल होता है। मैं ही पागल हूं जो इस घर को अपना मायके समझकर यहां रुक जाती हूं। हमारे घर वाले भी हैं दिल्ली में। चल प्रिया चल मेरे साथ, अब हम वहीं जाकर रहेंगे जब तक तेरे पापा आके हमें नहीं ले जाएंगे। बस नहीं, मैं मामी जी के तो मर यहीं पर। मेरे भाइयों को तो अपने बस में कर ही लिया है, हम मेरी बेटी पर भी अपना जादू चला रहे हैं। वैसे अच्छा ही है तू यहां रुक जा, अपनी विम्मी मामी जी की ट्रेनिंग में रहेगी ना तो लड़कों को कैसे पटाना है ये जरूर सीख जाएगी तू। रानो बस बस रानो चुप हो जा, ऐसी घटिया वाहियात बातें मेरी बेटी के लिए। मेरी मोना लड़के फंसाती है, क्या कर रही है तू?
जितनी नाराजगी आप मुझ पर दिखा रहे हैं ना वीर जी, अगर उतनी शक्ति आपने मोना के साथ की होती तो आज ये सब कुछ सुनने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। बहुत विश्वास है ना आपको अपनी मोना पर, तो पूछिए इससे कि सुबह से कहाँ थी। ये तो कॉलेज के लिए गई थी ना, उस गोल्डी के साथ दिन भर गुलचर्रे क्यों उड़ा रही थी, पूछिए इससे। नहीं रहूंगी मैं यहाँ, नहीं रहना है मुझे। सुनिए जी, रानू बहन जी, बात चाहिए, सुनिए। ये रानू जो अभी अभी कहकर गई है, मोना कॉलेज गई थी या फिर गोल्डी के साथ, किडनी है, पता मुझे सच्चाई क्या है। पापा जी, वो मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूं, तेरी मां से सवाल पूछ रहा हूं मैं। बोल विम्मी, क्या इस बात में कोई सच्चाई है? लो आ गए। अरे बा, कहां रह गए थे आप? पंडित जी कब से आपकी राह देख रहे हैं? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण पंडित जी, माफ कीजिएगा, खरीदारी में जरा देर हो गई। और बाजार तो हम जानते नहीं है शहर में, लेकिन धनतेरस के लिए कुछ जरूरी चीजें खरीदनी थी। अरे छोकरियों, सामान लेके अंदर जाओ। हाँ हाँ, एक मिनट। अरे बेटा, पंडित जी के लिए जो सामान लाए हैं ना, वो निकाल दो फिर जाना। ठीक है। आपने पानी वानी ग्रहण किया कि नहीं? ये देखिए, इस बार आप बिल्कुल ही नहीं कह सकेंगी कि मैंने आपके पोता और पोती के लिए अच्छे रिश्ते नहीं लाए हैं। दिल्ली में जितने भी गुजराती परिवार रहते हैं, सबके साथ मेरे घरेलू संबंध हैं। ऐसे रिश्ते तो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। इस लड़की का नाम क्या है? गायत्री है इसका नाम, गायत्री। ये देखिए ना, अनुकल के साथ अच्छी लगेगी ना जोड़ी, बहुत सुंदर है। भारती, ये लड़का अपने हेतल के लिए। अरे वाह, कितना अद्भुत संयोग है। भारती बहन ने जिस लड़की को पसंद किया है और आपने जिस लड़के को पसंद किया है, कमाल की बात यह है, ये दोनों के दोनों सगे भाई बहन हैं। अच्छा, अब आपके छोरा और छोरी का विवाह अगर एक ही घर में हो जाता है तो कितनी अच्छी बात है ना? ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा पंडित जी। ये सोच के कि उनके घर की लड़की हमारे घर की बहू है, वो हमारे घर की बेटी को तो सर आंखों पे रखेंगे, है कि नहीं कल्पेश? मैं तो बस ऐसा लड़का चाहता हूँ मेरी हेतल के लिए, जो उसे खुश रखे, और अनुकल के लिए ऐसी बहू जो हमारे परिवार में रच बस जाए। हाँ, मेरे अनुकल के लिए तो मैं लड़की देख परख कर लाऊंगी। तो फिर बात पक्की पंडित जी? जी हाँ बिल्कुल। आप जल्द से जल्द हमारी तरफ से उन्हें घर आने का न्योता दे दीजिए, ताकि हम भी उनके परिवार को देख समझ लें और छोरा छोरी भी आपस में मिल लेंगे। पंडित जी, ये शगुन समझ के रख लीजिए और बाकी की दक्षिणा रिश्ता तय होने के बाद। देखिए, शगुन से काम नहीं चलेगा, अरे कम से कम मुंह तो मीठा करवाइए ना। वो अनुकल्प ऑफिस से आ गए। लो, आ गया तुम्हारा लाडला। लेके आया मिठाई? लाया हूं माजी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आंटी जी, आपने मुझसे कहा था ना कि मैं जब चाहे यहाँ आ सकती हूँ, तो मैं आ गई। और आप सबको धनतेरस बहुत बहुत मुबारक। तुमको भी, अच्छा हुआ है। आओ आओ, जा मिठाई प्लेट में डाल कर लिया। अनुकल, जा अंदर मदद कर, जा। ओ,
आंटी जी मैं भी चली जाऊं? ठीक है जा। पंडित जी देखिएगा ये शादी की बात बस जम जाए, मेरे पोता पोती का ब्याह हो जाए ना तो मैं चारों धाम की यात्रा पे चली जाऊंगी। तो किसकी शादी की बातें चल रही हैं? वो एक्चुअली हेतल दीदी और अनुकल्प भैया दोनों के लिए ही रिश्ते ढूंढने जा रहे हैं। क्यों स्वीटहार्ट, क्या बात है, छुप छुप के शादी कर रहे हो और हमें बताया तक नहीं? जी इसमें बताने वाली क्या बात है, वैसे भी ये सब अम्बा जी की मर्जी है, उनके सामने मेरी कहाँ चलने वाली। क्यों ये सब तुमसे पूछ के नहीं किया जा रहा है? जी ये तो नहीं कह सकता कि मुझसे पूछा नहीं था, पर मेरे पास चॉइस ही कहाँ है, अम्बा जी ने जो तय कर लिया होगा तो वही। ठीक है आंटी जी लड़की ढूंढ सकती हैं, मगर उसमें हां भी तो तुम्हारी होनी चाहिए। मोना, मोना कैसी है? मोना, मोना कैसी है? मोना क्यों? मेरा मतलब आप अचानक मोना के बारे में क्यों पूछ रही हैं? तुम्हारी फ्रेंड है, मैम भी उससे मिली थी डांडिया के दिन, भूल गए? मैं पूछ नहीं सकती। जी वो ठीक है, वैसे आजकल उसकी शादी की बात भी चल रही है। और क्या? और उसने हाँ कहा या नहीं? जी अभी तक हाँ तो नहीं की उसने। ये तूने सब लोगों को यहां क्यों बुलाया है? दाजी मैंने तय कर लिया, जल्द से जल्द मोना और गोल्डी का रोका तय कर देना चाहिए। रोका? लेकिन मोना ने तो अभी हां नहीं की है। दारजी मोना अच्छी तरह से जानती है कि अगर उसके बड़ों ने हाँ की है तो सोच समझ कर ही की होगी ना। लेकिन सतनाम एक बार अपनी बेटी से पूछना तो चाहिए ना। भाई साहब प्लीज आप बीच में मत पड़िए, ये मेरी बेटी का मामला है। क्या कह रहा है तू? अरे गुरुनाम चाहे जैसा भी हो उसने तेरी बेटी को तुझसे ज्यादा प्यार दिया है। और वो उसकी मर्जी ही जानना चाह रहा है ना। ठीक है दर्जी, अगर आप कहते हैं तो मैं अपनी बेटी से उसकी मर्जी पूछ लेता हूं। बोल पुत्र, गोल्डी से शादी करने के लिए तू तैयार है या नहीं? मोना, पुत्र तेरा बाप तुझसे कुछ पूछ रहा है, गोल्डी से शादी करने के लिए तू राजी है या नहीं? पापा जी वो मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूं, तेरी मां से सवाल पूछ रहा हूं मैं। अब तो तेरे पापा जी को भी लगता है कि मैं अच्छी मां नहीं हूं। कुछ तो बोलना, हां या ना। हां
शाबाश पुत्र, शाबाश।